नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मानगुरगढ़ गांव में कल शुक्रवार को गन्ने के खेत में एक किशोरी का शव बरामद हुआ था। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा परिजनों की तहरीर के बाद कार्रवाई शुरू की, जहां आज 24 घंटे के अंदर अतरौलिया थाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान अजय निषाद को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में युवक के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि जनपद आजमगढ़ अतरौलिया थाना क्षेत्र के मानगुरगढ़ गांव में गन्ने के खेत में एक किशोरी का शव एक दिन कल दिनांक 19 अगस्त को थाना अतरौलिया अंतर्गत एक किशोरी का गन्ने के खेत में शव मिलने के संबंध में FIR नंबर 291/22 धारा 302-201 IPC पंजीकृत किया गया था। आज अतरौलिया पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए सुबह लगभग 9 बजे पुलिस मुठभेड़ में मुख्य अभियुक्त अजय निषाद को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उपचार के लिए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी तक की पूछताछ में अभियुक्त अजय निषाद ने बताया है कि किशोरी जो मृतका है उनके साथ इसका 4 माह से प्रेम प्रसंग था। वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये खुद 2 बार शादी कर चुका है पूर्व में और इसके 3 बच्चे भी हैं, इसीलिए इसने प्लान बनाया कि ये पत्नी बच्चे और गाँव समाज को देखते हुए किशोरी को रास्ते से हटा देगा। इसने मिलने के लिए उसको गन्ने के खेत में ग्राम सेदरापट्टी के पास बुलाया। पहले इसका प्लान था अवैध असलाह से मारने का, लेकिन क्योंकि दिन का वक्त था और फायरिंग की आवाज़ से गांव आसपास के लोग आ सकते थे, इसलिए इसने किशोरी के दुपट्टे से ही गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात में जाकर इसने शव को उस खेत से निकाल के दूसरे खेत में छिपा दिया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर, 3 खोखा कारतूस 32 बोर और घटना के दौरान जो इसने कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए गए हैं। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।